हेलो दोस्तों, फिर आज हम आपको स्वागत करते हैं नए वीडियो में आने का। ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं यूनिट के बारे में। एक हमारे पास ड्रेम यूनिट है 50 वाट का, एक हमारे पास ड्रेम यूनिट 100 वाट का, एक है यूनिट हमारे पास ड्रेम यूनिट टॉप टर्न 100 वाट का। इस तीनों यूनिट में हम बात करते हैं अंतर, क्या अंतर इस तीनों यूनिट में। पहले हम स्टार्ट करते हैं 50 वाट यूनिट के बारे में। ये हमारे पास स्टेंजा का यूनिट है, ड्रेम यूनिट। इसमें क्या बात है, कहते हैं कि माइनस प्लस भी दिए रहते हैं, इसमें माइनस प्लस दिए रहते हैं। इसमें जाली हट गई, जाली सेफ्टी के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, कचड़ा वगैरह कुछ ना जाए इसमें। और इसकी बॉडी बहुत ही मजबूत रहती है, जैसे गिर सिर जाए तो इसमें थोड़ा दिक्कत नहीं पड़ती। उसमें इसमें चिट लगी रहती है 50 वाट के पीछे से, वो थोड़ा हट गई है इसमें। इन तीनों पर डाईफार्म एक ही लगती हैं, इन तीनों पर। बस अंतर क्या रहता है कि इसमें डाईफार्म, इसमें कोई मैग्नेट छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है, इससे बड़ा इसमें होता है। इसी एकदम से हमारे चलते हैं, ये डाईफार्म टिके रहते हैं। अब कुछ सीट ऐसी होती हैं कि इसमें बैठारी जाती हैं, ताकि हम दिखा रहे हैं इसमें, एक दिखा रहे हैं तकनीकी। इससे फटाफट खोल लेते हैं, इससे फटाफट खोल लिया हम लोगों ने। ये इसमें सीट होती है, इसमें मैग्नेट लगा रहता है, इसके अंदर अंदर ये मैग्नेट लगा रहता है इसमें, और एक ये रहता है इसमें डायफ्राम। डायफ्राम ज़्यादा करके कहाँ से लड़ती है, हमारी मशीन जब हीट हो जाती है, ये है यहाँ से, और यहाँ से डायफ्राम ख़राब नहीं होती, जब सीट नहीं से ऐसे बैठ पाती, जब हमारा डायफ्राम ख़राब हो जाता है यहाँ से, इस जगह से। और ताकि टाकर रखने के समय बहुत सफाई से रखना पड़ता है, सीट भी बहुत अच्छे से बैठाना पड़ता है, ताकि मशीन भी हीट ना मारे, मशीन भी ख़राब ना हो। इसको बड़ी सफाई से रखना पड़ता है, सीट के समय पे बैठाने के समय पे यहाँ पे अक्सर टेप लगा देते हैं हम लोगों, बनाते हैं हम लोग। इन तीनों पर डायफ्राम ही लगता है। अब बात आती है 100 वाट के स्टेनिंग यूनिट के बारे में। इसकी थोड़ा मैग्नेट थोड़ा बड़ी हो जाती है, ये थोड़ा टिकाऊ होता है, इसमें थोड़ा बेहतर आवाज़ रहती है इसमें लंबे से। स्टेनर यूनिट स्टेनर ही मशीन चलाएँ तो बहुत ही बेहतर है हमारे लिए। और एक ये आ जाता है टॉप टर्न का यूनिट, ये टॉप टर्न का यूनिट आ जाता है, ये भी बहुत बेहतर है। इसकी प्राइस बहुत महंगी है, टिकाऊ भी है, इसका मैग्नेट बहुत ही ज़्यादा रहता है, ताकि इसका डायफ्राम ख़राब ना हो। ये बहुत ही बेहतर है, इसकी बॉडी भी बहुत मजबूत रहती है, गिरने से जल्दी पल्दी बॉडी इसकी नहीं टूटती है। और इसकी जाली देखिए, पहले लोहे की रहती है, स्टेनर वाले में प्लास्टिक की दिए रहती हैं, इसकी जैसे हट गई प्लास्टिक में दिए रहती हैं, इसमें दिए रहते प्लास्टिक में, इसकी हट गई है। और ये इसकी जाली लोहे में टॉप टाउन वाले की बहुत ही बढ़िया बेहतर है ये, इसकी क्षमता भी बहुत बढ़िया टॉप टाउन वाले की। 100 वाट के यूनिट बनाए गए, इसमें अंतर क्या रहता है कि मैग्नेट ज़्यादा कुछ दिए हैं, तो इसमें रेंज आवाज़ जाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसकी प्राइस की बात करते हैं, ये प्राइस 850 रुपये पड़ जाएगा लगभग, ये पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये में, ये पड़ेगा हम लोगों को 350 रुपये में। बेहतर कौन सा है, बेहतर बहुत बढ़िया ये, इसमें मैग्नेट की क्षमता चलता रहता है। और ज़्यादा अगर की बात करते हैं स्टेंजर का यूनिट, स्टेंजर की मशीन से चलाएँ तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत क्लियर आवाज़ निकालते हैं स्टेंजर वाले भी। यूनिट और मशीनें बहुत बढ़िया हैं। ऐसे ही हमारी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऐसी ही जानकारी के लिए धन्यवाद।